पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। इस दिवाली तनिष्क लाए हैं अलेख्या, मीनाकारी और प्रोही कारीगरी का जादू। आज ही आइए और घर ले जाइए हमारा नया दिवाली कलेक्शन। गोल्ड ज्वेलरी की मेकिंग और डायमंड ज्वेलरी की वैल्यू पर अप टू 20% ऑफ के लिए विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। शर्ते लागू। LLB तृतीय वर्ष के अंदर कुछ विषयों के अंदर है जो टेक्निकल फॉल्ट के कारण यूनिवर्सिटी ने रिजल्ट बिगाड़ दिया है, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। और इसी तरह BEd और अन्य विषयों के अंदर कई बच्चों के रिजल्ट बिगाड़ दिया है, और रिवेल के चक्कर में सब बच्चों को वापस रिवेल भरने के चक्कर में उनको ख़राब किया जा रहा है टाइम उनका, और सभी बच्चों में रिजल्ट बिगाड़ रहे हैं। इसमें टेक्निकल फॉल्ट निश्चित रूप से है, और इसके अंदर निश्चित रूप से फर्म की भी कुछ गड़बड़ी इसमें सामने आ रही है, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन इसमें अपनी गलती मानने को अभी तक तैयार नहीं हो रहा है। और जैसे पिछली बार जो गलती मानकर इन्होंने रिजल्ट संशोधन किया था, हमारी मांग यही है कि इस बार भी वो पुनः रिजल्ट को संशोधन करें, और जिससे सभी बच्चों को लाभ हो सके। और अगर ये अभी रिजल्ट संशोधन नहीं करते हैं तो जो सनद होगी वो 2023 की होगी, जिससे इस साल का वकील बनने वाला विद्यार्थी भी जूनियर वकील बन जाएगा 2023 का। इसको लेकर के आज क्या किया? आज हमने यहाँ पर प्रदर्शन करा, तो उसमें बीसी सर कहीं जाने के थे तो हमने गाड़ी का घेराव किया, उनको रोक के उनसे बात करी वहीं पे। उन्होंने बात करके उन्होंने आश्वासन दिया है कि आज ही इसके दिखाकर विषय को, और इसमें हम फर्म को भी इसके डीवार करने का कहेंगे कि अगर इसमें निश्चित रूप से गड़बड़ी है, और उनको फर्म को भी डीवार किया जाए। और वीसी सर ने बोला है कि इसमें जल्द से जल्द दिखा के और आज ही विषय को किया जाएगा, और हम तब तक यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, या ऑफिस वीसी ऑफिस के बाहर हम धरने पर बैठे रहेंगे, और जब तक आज शाम तक अगर संशोधन नहीं किया जाता है तो कल हम पुनः यहाँ पर आएंगे और यहीं बैठकर वापस धरना, हमारा कार्मिक धरना जारी रहेगा। दिनेश चौधरी, इकाई अध्यक्ष, प्रांत SFS संयोजक।